मेरा हाथ भी कम हो गया, मैंने खाया भी नहीं। अरे और मॉबसर, व्हाट्सअप गेमिंग आर्मी, आज के वीडियो में हमारा गोल है कि हम वन स्टैक ऑफ क्या बोलते हैं अपना वुड कलेक्ट करें और आयरन आर्मर बना पाए। पिछले वीडियो का गोल तो हम नहीं कंप्लीट कर पाए, सॉरी, क्योंकि हम ना हमें आपने जैसे ही देखा कि हम मर गए थे, कि हम लावा में हम लोग गिर गए थे और मर गए। तभी मैं गियर नहीं था ना इसके लिए, नहीं तो मेरे पास अगर वाटर बकेट रहती तब मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। तो पर पिछले एपिसोड का बात छोड़ते, इस एपिसोड से हम अब चालू करते, क्योंकि हमें नया स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि हमने जो सब किया था ना सब चला गया। इस वीडियो में मेरा गोल है वन स्टैक ऑफ ये क्या बोलते वुड कलेक्ट करूँ, और उससे मैं वुड से ना मैं क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ अपना घर बना लूँ। और क्या बोलते, घर तो मेरा फिक्स नहीं है इस एपिसोड में बनाऊंगा कि नहीं, पर यह फिक्स है कि इस एपिसोड में मुझे फुल आयरन आर्मर चाहिए, क्योंकि जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा मैं तुरंत गया था, तुरंत मर गया। मैंने सोचा कि आपको मैं बोरिंग स्टफ नहीं दिखाऊँ, इसके लिए मैंने फिर से वुडन टूल सब कलेक्ट कर लिए, वो सब मैंने पिछले वीडियो में भी किया था, इसके लिए मैंने आपको रिटर्न नहीं दिखाया। वैसे मैं चाहता तो आपको दिखा भी सकता था, पर टाइम वेस्ट ही होता उसमें। तो मैं वुड कलेक्ट करने के बाद आपको कैमरे पे मिलता हूँ। तो गाइस, मैंने एक सेक से तो ज़्यादा ही वुड कलेक्ट कर लिया है। अब मैं जाके थोड़ा ये स्टोन से पिकैक्स से ये अपना कोल माइन कर लेता हूँ, क्योंकि हमें कोल की भी ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास स्टोन की पिकैक्स नहीं, सबसे पहले मैं जाके स्टोन की पिकैक्स बना लेता हूँ। ये मैंने बना स्टोन की पिकैक्स, अब मैं इसे माइन कर लेता हूँ। तो मैं आपको एक स्टैक कोल को माइन करने के बाद में मिलता हूँ। तो गाइस, मैंने एक स्टैक से तो ज़्यादा ही कोल को माइन कर लिया। इधर से हम थोड़ा सा और माइन कर लेते और अब हम केव में जाएंगे ताकि हम थोड़ा सा आयरन फाइंड कर पाए। आयरन से आज हमें आयरन का आर्मर बनाना है। वैसे तो हमें डायमंड भी ढूंढ सकते, पर इस वीडियो में डायमंड नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि जैसा आपने देखा हम लावा के लेवल पे गए थे और हम मर गए थे। इस वीडियो में इसके लिए मैं डायमंड ढूंढने नहीं जाऊंगा। ये सब कोल हम बाद में कलेक्ट कर लेंगे, अभी मेरे पास एक स्टैक से भी ज़्यादा है। जो अभी हमें सामान नहीं चाहिए वो मैं टेस्ट में डाल लेता हूँ। तो गाइस, मैंने बाकी का सब जो सामान हमें नहीं चाहिए था वो टेस्ट में डाल लिया है। अब रात उठ गए तो सो जाता हूँ। उसके बाद में हम टॉर्चेस बना लेते हैं और साइड से दो पिकैक्स भी बना लेंगे। ये मॉन्स्टर्स भी आ गए, चलो मॉन्स्टर्स को मार देते, हम अभी डरते नहीं हैं मॉन्स्टर्स से। कितने सारे स्केलेटन से, अरे मार देगा मेरे को ही क्या, इधर भी बस स्केलेटन स्पॉन होते क्या? आज अभी तक मैंने जितने भी मॉन्स मारे उसमें सबसे ज़्यादा ना स्केलेटन से हुए। स्टिक से मैं 12 टॉर्चेस, लगभग 48 टॉर्चेस इनफ है। और क्या बनाना था, हमें दो पिकैक्स बना लेते। पिकैक्स की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी रख लेते, इतना चलते। और ये बोन्स भी डाल देते, एक्स भी डाल दिया मैंने। अब बस हमें नीचे जा के केविंग करना है। अभी बस हमें आयरन का पूरा सामान चाहिए। अरे यार, ये केव अंदर ही नहीं गया। मैं सोच रहा हूँ इससे अच्छा हम स्ट्रिप माइनिंग कर लेंगे, पर स्ट्रिप माइनिंग के लिए हमें बहुत सारा नीचे जाना पड़ता है, इसके लिए मैं अभी स्ट्रिप माइनिंग करना नहीं चाहता। नीचे जाके देखता हूँ मुझे अगर केव मिलता है कोई। नीचे में हमें सबसे स्टार्टिंग में वर्ल्ड किया था तब हमें केव मिला था, उधर ही पे मैं जाके देखता हूँ, क्योंकि वो केव हमने एक्सप्लोर नहीं किया था, वो केव बड़ा भी हो सकता है। तो मैं आपको वो केव पे पहुँचने के बाद में मिलता हूँ। तो गाइस, मैं केव पे तो आ चुका हूँ, बस हमें आयरन की माइनिंग करनी। पता नहीं ये केव डीप जाएगी भी कि नहीं, अंदर मॉब्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले ना हमें ऊपर से लाइट करते हुए जाना चाहिए, क्योंकि हमें नीचे में ज़्यादा मॉब्स होते स्पॉन। मेरा हार्ट भी कम हो गया, मैंने खाया भी नहीं। अरे और मॉब्सर, मार ना दे, मेरा हार्ट भी कम है। सबसे पहले मुझे फूड खाना होगा, नहीं तो मैंने लाया है, मुझे लगा मैंने नहीं लिया। बीफ से हमें ज़्यादा मिलता है, तो मुझे बीफ खाना चाहिए मेरे ख्याल से।
ऊपर से और मॉब्स भी आ सकते। तो चलो अब हम जाते हैं, देखते ये तो ऊपर जा रहा है, इधर पे भी और जगह देखते जाके। के उसमें जाने का ना एक और डर रहता है कि हम ज़्यादा टाइम रास्ता भूल जाते। अगर आप ज़्यादा नीचे जाओगे ना तो आप ज़्यादा टाइम चांस रहते हैं कि आप रास्ता भूल जाओ। ये तो केव नीचे नहीं गई थी, दूसरी केव में ट्राई करते। अब ये वाली केव में ट्राई करते। आयरन यहाँ पे भी है, लग तो रहा ये नीचे जाएगी, पर सबसे पहले हमें आयरन माइन कर लेना चाहिए। ज़्यादा नीचे तो हमें नहीं जाना है, बस आयरन थोड़ा कलेक्ट करना है। हमें लगता है लगभग 32 आयरन चाहिए होंगे, एक स्वॉर्ड, एक और पूरा आर्मर और एक पिकैक्स के लिए। तो ट्राई करते हैं हम उठना। मेरे को डर लग रहा है बस मॉब्स ना आ जाए। तो इधर पे बहुत मस्त आयरन बहुत सारे। पहले जैसे मैंने बोला था आपको कि जो जहाँ पे ऊपर रहते हैं पहले हमें उधर पे से केव में जाना चाहिए। इधर पे कुछ नहीं है, नहीं तो हम आयरन माइन करते थे और ऊपर से वो हम पे कूद जाता। और आयरन कहाँ गया, आयरन कहाँ गया? हाँ ये रहा आयरन। अरे ये वाटर सोर्स ना, सबसे पहले मैं कॉबल स्टोन लेके इसको ब्लॉक कर देता हूँ। वाटर सोर्स तो मैंने ब्लॉक कर लिया है गाइस, अब बस हमें आयरन को माइन करना है। लैग क्यों मार रहा है? हाँ आयरन, बस अभी हमें आयरन खोजना है। अभी पिछले वीडियो जैसे हमें लालच करके डायमंड्स के लिए नहीं जाना है, क्योंकि पिछले वीडियो में जैसे आपने देखा था लालच करने से हमें बहुत प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, हमें लालच नहीं करना चाहिए। बस ये आयरन ले लूँ, अरे मर भी जाता मैं ऐसे में। वाटर से भी हमें डैमेज मिलता है। 8 इधर पे मिल जाए, इसको माइन करने के बाद में मिलता आपको। तो गाइस मैंने आयरन के लिए तो माइन कर लिया था, मुझे 23 आयरन मिल गए, 35 रेडस्टोन मिल गए, और मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा आयरन मैंने इसमें रखा हुआ था, तो 14 आयरन मेरे पास ऑलरेडी थे। तो मैं इसको स्मेल्ट करने के बाद आपको मिलता हूँ। तो गाइस मैंने आयरन को तो स्मेल्ट कर लिया है, अब इससे बस हमें आयरन का आर्मर बनाना है। गाइस मैं इस एपिसोड में वो नहीं घर नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि एपिसोड बहुत लंबा हो गया ये। अगले एपिसोड में हम लोग पक्का एक घर बनाएंगे। तो मैं आयरन का आर्मर पहन लेता हूँ। शील्ड भी बनाना था, अरे हाँ शील्ड बनाना मैं भूल गया। आयरन के आर्मर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो शील्ड ही होता है, हमें क्रीपर के एक्सप्लोजन से भी शील्ड बचा सकता है। बस अभी हमें कहाँ गया शील्ड का रेसिपी, नहीं मिल गया रेसिपी। शील्ड को हमें बस इधर पे पहनना रहता है। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मेरा इंतज़ार करते रहना, आपका फेवरेट मिस्टर लेजेंड। तो गाइस मैंने आयरन को तो माइन कर लिया है, अब मैं आपको ऊपर जाने के बाद में मिलता हूँ। जब कुछ एक्साइटिंग चीज़ होगा तब मैं आपको मिलता हूँ, तो देखते रहिए। तो गाइस ये केव में भी कुछ था नहीं, तो मैं सबसे पहले जाके ऊपर जाके देखता हूँ कि रात हुआ है कि नहीं। अगर रात हुआ होगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा रात में, क्योंकि ज़ॉम्बीज आ सकते हैं। लग तो नहीं रहा है गाइस रात हुआ है, तो फिर भी हो गया तो माइनक्राफ्ट का भरोसा नहीं है गाइस। मैं आपको बेस पे जाने के बाद, यहाँ देखो रात हो गया, रात होने ही वाला है। मैं आपको जल्दी से बेस पे जाने के बाद में मिलता हूँ। तो गाइस मैं अपने बेस पे तो आ चुका हूँ, अब मुझे बस रात होने का इंतज़ार करना है। जब रात होगी तब मैं सो जाऊँगा। तो देखता हूँ गाइस, अब मुझे लगता है केव तो नहीं मिल रहा है मुझे। अब बस जब केव मिलेगा, केव तो नहीं मिल रहा है, तो
केव से अच्छा मैं स्ट्रिप माइनिंग ही करूँगा, भले हमें बहुत नीचे जाना पड़ेगा। स्ट्रिप माइनिंग के लिए मैं दो दो का होल करके ऐसे करके नीचे चले जाऊँगा। वैसे मैं स्ट्रिप माइनिंग नहीं करूँगा, वैसे स्ट्रिप माइनिंग जैसा ही है ये, इसको गुफर होल्स बोलते हैं। आप गूगल पे सर्च भी कर यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, एक वीडियो आएगा गुफर्स होल करके, तो मैं आपको नीचे जाने के बाद में मिलता हूँ। तो गाइस मुझे अभी याद आया कि मुझे नीचे से ऊपर आने के लिए लैडर्स भी लगेंगे, इसके लिए मैं लैडर्स भी बना लेता हूँ। ज़ॉम्बी पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। लैडर बनाने के लिए हमें स्टिक बनाना होता है और उससे लैडर बनती है। और गाइस मैंने आयरन को भी स्मेल तोड़ने के लिए डाल दिया था, क्योंकि मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था। अब और वुड लगेगा हमें, और इतने वुड से तो नहीं होगा, हमें लगभग 64 के आसपास वुड लगेगा। इस लैडर में बहुत वुड लगता है, मैं आपको बस नीचे से जब लैडर लगा लूँगा तब मिलूँगा। तो गाइस अब हम माइनिंग करने चलते हैं, और मैंने एक बेड भी बना लिया ताकि अगर रात होगी तो हम सुबह कर पाएंगे इजीली। तो मैं अब वाई लेवल 64 पे जाने के बाद आपको मिलता हूँ, और ऐसे हमें लैडर भी लगाना पड़ेगा, ऐसे करके हमें लैडर भी लगाना पड़ेगा। बहुत टाइम लगेगा गाइस हमें इसमें, तो मैं आपको नीचे जाने के बाद में ही मिलूँगा। तो गाइस मैंने माइन कर लिया है। इस माइनिंग को करने के लिए आपको लेवल 5 पे आना, कोऑर्डिनेट 5 पे आना पड़ता है, और दो ब्लॉक्स ऐसे करने के बाद में हमें 5 ब्लॉक्स ऐसे माइन करने होते हैं। इससे हम एक भी डायमंड्स नहीं छोड़ते हैं, और हमें आयरन भी मिल जाएगा। तो मैं ऐसी माइनिंग करता हूँ, जब मुझे कुछ अच्छा मिलेगा तब मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस मैंने आयरन के लिए तो माइन कर लिया था, मुझे 23 आयरन मिल गए, 35 रेडस्टोन मिल गए, और मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा आयरन मैंने इसमें रखा हुआ था, तो 14 आयरन मेरे पास ऑलरेडी थे। तो मैं इसको स्मेल्ट करने के बाद आपको मिलता हूँ। तो गाइस मैंने आयरन को तो स्मेल्ट कर लिया है, अब इससे बस हमें आयरन का आर्मर बनाना है। गाइस मैं इस एपिसोड में वो नहीं घर नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि एपिसोड बहुत लंबा हो गया ये। अगले एपिसोड में हम लोग पक्का एक घर बनाएंगे। तो मैं आयरन का आर्मर पहन लेता हूँ। शील्ड भी बनाना था, अरे हाँ शील्ड बनाना मैं भूल गया। आयरन के आर्मर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो शील्ड ही होता है, हमें क्रीपर के एक्सप्लोजन से भी शील्ड बचा सकता है। बस अभी हमें कहाँ गया शील्ड का रेसिपी, नहीं मिल गया रेसिपी। शील्ड को हमें बस इधर पे पहनना रहता है। सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मेरा इंतज़ार करते रहना। आपका फेवरेट मिस्टर लेजेंड।